हमें तुमसे प्यार कितना, एक बार रो, अब तो मैं हमेशा तुझे दुल्हन के रूप में देखता हूं, हमेशा। बहुत बेचैनी होने लगी, सुहागरात तक जिंदा रहना भी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। माधव, मैं भी अपने को तेरी दुल्हन के रूप में देखूंगी हर वक्त। हाय, बहुत सुंदर लगती हो पारो, तुझे मैं रानी बनाऊंगा। देख, ये महल तेरे लिए खड़ा किया है, ये सब तेरे लिए है। ये सब मेरे लिए और मैं तेरे लिए माधव। देख, सेज सजाई है पारो, तेरे और मेरे लिए। हाँ,
अर्जना छोटे सरकार आते होंगे। रोटी के देर हो गई। बारिश बंद हो गई। यह हवेली में खोई पड़ी है। चंद्रमुखी, यह हवेली कहाँ है? मालूम नहीं। चंद्रमुखी, ये छोटे सरकार कौन है? मुझे कुछ मालूम नहीं। मोहन, उस दिन काम वाले कह रहे थे कि माधो के घर पे कोई आई थी, वो फिर आएगी, उसे पूछताछ करते हैं। मैं पता करके आता। नहीं मोहन, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं अभी आता हूँ। नहीं, तुम मेरे पास रहो। मैं जाता हूँ। नमस्कार, क्या आप बता सकती हैं कि सत्तो कौन है, कहाँ है? सत्तो आपके सामने खड़ी है, फरमाइए। मेरा बचपन का नाम है। मैं डॉक्टर नरेश हूँ, एक अजीब दरख्वास्त लेके आया हूँ। कहिए। मेरे एक मरीज बड़ी नाजुक हालत में है, मैं आपकी मदद चाहता हूँ। मेरी मदद? जी हाँ, आपका बड़ा एहसान होगा, सिर्फ शिमला तक जाना है। बड़ी शौक से, मुझे भी वैसे शिमला ही जाना है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आया कि मेरी मैं आपको रास्ते में सब कुछ समझा दूंगा। चलिए आइए। जानूंगा
अपनी जान लूंगा या उसकी जान लूंगा, छोटे सरकार की जान लूंगा। जानती हैं हवेली कहाँ है, वहाँ से सब कुछ पता चल जाएगा। मुझे नहीं मालूम, पारो का बाप वहाँ मालिक का काम करता था, बस इतना ही जानती हूँ मैं। पारो का क्या हुआ? ये भी नहीं मालूम। माधो की मौत के बाद मैं शिमला छोड़ के चली गई थी। कैसे पता चलेगा? भृगु महाराज के पास मैं वहाँ गई थी। वो कौन है? मैं जानता हूँ, क्या बताया आपको? जब माधो दूसरा जन्म लेगा तुम्हें मिलेगा। मिला? तो मिले। मुझे पूरा विश्वास है आप डॉक्टर साहब हैं, आप विश्वास न करें। आप वकील साहब हैं, शायद आप भी विश्वास न करें। आप लोग बहुत पढ़े लिखे हैं ना, लेकिन मैं तो अनपढ़ गवार हूं, मुझे पूरा विश्वास है। देखिए, अगर आपको विश्वास ना भी हो तब भी एक बार मेरे साथ चलिए। अभी एक सवाल और, छोटे सरकार कौन है? चौधरी जनक सिंह। और ये कन्या जिसके बारे में प्रश्न पूछा गया है, उसका नाम च से शुरू होता है। चंद्रमुखी। पूछने वालों के नाम म से और स से होंगे। मोहन, इनमें म नाम वाला पिछले जन्म में स का भाई था। प्रश्न पूछते समय चय नाम की कन्या महाकष्ट में होगी, क्योंकि ये वही आत्मा फिर जन्म लेकर आई है जिसका पिछले जन्म में प से नाम था। पारो, पिछले जन्म में इसकी हत्या की गई थी, इसलिए इस जन्म में ये तब तक तड़पती रहेगी जब तक इसकी हत्या करने वाले को दंड नहीं दिलाया जाता। सजा पुजारी, इसकी हत्या का दंड वही दिलवाएगा जो पिछले जन्म में इससे प्रेम करता था और जिसका इस जन्म में नाम म से शुरू होता है और जो न्याय से संबंध रखता है। वकील हैं। मैं सजा किसे दिलाऊंगा? कुदरत आपके जरिए सजा देगी। लेकिन ये सजा देनी किसको है? पारो की जान किसने ली? आगे पढ़ता हूं। अब इस बात का वर्णन किया जाता है कि उसकी हत्या किसने की। पन्ना फटा हुआ है। हाँ? तो कैसे पता चलेगा? मैं सिर्फ भृगु महाराज की कही बातें पढ़कर सुना सकता हूं, इसके आगे कुछ नहीं बता सकता। मैं तुम्हें माधो कह सकती हूँ।
बार। माधो मेरे भैया। आप नमस्कार करना भी भूल गए। ये मुगालता ना हो कि चौधरी जनक सिंह अपनी बेटी का टूटा हुआ दिल लेकर हजूर के सामने फरियाद लेकर हाजिर हुआ है। हम महज ये पूछने आए हैं कि उस रात महफिल में जो तमाशा हुआ उसके बारे में तुम्हें क्या कहना है, बोलते क्यों नहीं? मजबूर हूं। मजबूरी का एक नाम बुजदिली भी है, एक नाम खामोशी भी है, सो खामोश हूं। एक पागल लड़की ने तुम्हारी अक्ल पर पर्दा डाल दिया है। जिस चीज पर पर्दा पड़ा है पड़ा ही रहने दे। ये पर्दा कफन नहीं जोट नहीं सकता, लेकिन देख रहा हूं कि तुम इस दीवानगी में दफन होते जा रहे हो। बहुत बड़ी गलती की है तुमने मोहन। जब सीधे रास्ते पर आ जाओगे तो वो रास्ता सीधा तुम्हें हमारे दर पर लाकर खड़ा कर देगा। मगर इस वक्त मेरा रास्ता सीधा इस घर से बाहर जाता है। किसी चीज की जरूरत हो तो लेते जाना, यहां कभी इनकार नहीं होता। नरेश कह रहा था हवेली का पता लगाना बहुत जरूरी है। आप तुम मिल गए हो, हवेली से क्या मतलब? याद करो। कुछ याद नहीं। चलो। ऊपर सोने वाला कमरा था और उसके ऊपर सामान रखने का कमरा था, लेकिन ये हवेली नई थी। बाबा उधर बैठा करते थे। बाबा बाबा कौन? पारो। पारो बाबा। बिटिया पारो, हमको मालूम था तू आएगी, तू जरूर आएगी। तू आई गई बिटिया, लोग झूठ बोलते थे कि हमारी बेटी मरी गई। नहीं बिटिया, हमको विश्वास था तू आएगी, तू जरूर आएगी। बाबा तू पारो आ गई। नरेश तो मरी देख रहे हैं अंदर। क्या बात है, कुछ समझ में नहीं आती। न जाने क्या चली गई। ए पारो सुनिए, आप यहाँ क्या करते हैं? मैं तो माली हूँ बाबूजी, लेकिन आप कौन हो? मुझे लड़की अभी आई थी, कहाँ गई? मुझे तो पता नहीं, मैं तो अंधा हूँ, वही मैं आपसे पूछूं। कौन तुम? इनसे पूछताछ करो, मैं अंदर देखता हूँ। पारो तुम्हारी क्या लगती है? मेरी बिटिया है बाबूजी। चंद्रमुखी चंद्रमुखी, क्या हुआ चंद्रमुखी? चंद्रमुखी मुझे घर ले चलो। अच्छा तो तुमने रिपोर्ट लिखाई जी? तारीख? तारीख हो जी, बरसातों के बाद का महीना, भादों का महीना था जी, अंग्रेजी की 20 तारीख। सन क्या था? सन 1945। 1945। नरेश तुम चंद्रमुखी को घर लेके चलो, मैं अभी आता हूं। बाबू जी साहब, आपको किसने मिला साहब?
जैन जनाब, मुझे 1945 का रजिस्टर चाहिए फौरन, मैं बहुत जल्दी में हूँ। जी जनाब। हवालदार जनाब, अंदर से जल्दी रजिस्टर निकालो फौरन। तैंतालीस मार्च जुलाई तो सफे फटे हुए लगते हैं जनाब। अगस्त 10 अगस्त 12 20 20 अगस्त ये वही रिपोर्ट है जो मुझे चाहिए थी, यही है। लेकिन हमने लिखाई है कि पारो गायब है, तलाश जारी है, तलाश जारी है, तहकीकात जारी है। तलाश बंद कर दी गई, तहकीकात भी बंद कर दी गई, कोई वजह नहीं दी गई। दस्तखत जगतराम, जगतराम कहाँ मिल सकता? चपरासी अंग्रेजों के जमाने का है जनाब, इसे मालूम होगा शायद। बोला राम ऐतर आ जा। तुम्हें याद है सन 45 में जगतराम यहाँ काम करता था? जी हाँ मुझे याद आया, वो बहुत शराब पीने लग गया था जी, ड्यूटी पर भी नशा करके आता था, सरकार ने उसे निकाल दिया। कहाँ मिलेगा वो? बड़े गांव का रहने वाला था, शायद वहीं। मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ जनाब? आप बता सकते हैं जगतराम का घर कौन सा है? जी? वो जो पुलिस में हुआ करता था, वो जगतू जगतू हाँ जी मेरे साथ आओ, वो सामने चले जाओ छोटे घर में। अच्छा तुम जगतराम हो? जगतराम ये है। वकील साहब पैसे ले आ, नमस्ते नमस्ते। जगतराम हाँ जी, तुमसे कुछ बातें पूछनी। वकील साहब जुबान सूखिया, क्या बात करूंगा? आप कुछ पियेंगे? नहीं 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 तो मुझे पिलाइए। एक ही बात है, दुकान बाहर है, सामने है, जल्दी आएगा। वकील साहब बहुत अच्छे आदमी है, दो तीन बोतल लाएंगे, दो बोतल पीऊंगा, बातें करूंगा। दो बोतल देना। कौन सी? कोई भी। छोटा ले जाओ। अब करो बात थी। जगतिया। हाँ एक मिनट एक मिनट। जगतू ठहरो, पहले बत्ती जला लो। बात दूर की है। कितने मील की? मेरा मतलब है बात बहुत पुरानी है। पुरानी है? हाँ ठहरो ठहरो ठहरो, अभी अभी सुनता हूँ। क्यों? हाँ जो मैं पीता हूँ सारी पुरानी बातें मेरे सारे हाजिर हो जाती है। जब मैं पीता हूँ तो मेरे सामने पिछला जन्म हाजिर हो जाता है। अरे तू तो मेरा भी गुरु निकला है। पियो 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 पियो। पिछला जन्म सामने हाजिर हुआ। जगतिया हाँ, मैं माधो हूँ। माधो माधो अरे माधो कौन है यार? अबे ठहर ठहर ठहर। अरे मधु, अरे जगतिया पहचाना? मैं तुझे पहचाना ही नहीं, पहले इसको अंदर कर, नहीं तो मैं तुझे अंदर कर दूंगा। अंदर करूं? ले मजा आया ना। भरो भरो ये तू उससे इश्क कर दे। अरे वो तो थोड़ी तरह काबू में आ गई है। नहीं डूब मर, ये झूठ है। झूठ नहीं है। किधर है भरो? अरे वो तो कहीं मर ही गई। मर गई? हाँ मर गई। कैसे मर गई? अरे
और उसे तो मार दिया गया है। किसने मार दिया? किसने मारा? उसने। किसने? छोटे सरकार ने। छोटे सरकार ने? पियो 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 पियो। तुझे कैसे मालूम? तुझे कैसे मालूम? अम्मी को मालूम है। सबूत? सबूत भी है। हमको झूठ नहीं बोलते। सबूत भी है। सबूत है तो बोलना फिर। अभी बता दो। हाँ। बोलना। पकड़ना गिरो। पुलिस की तहकीकात क्यों बंद कर दी? अभी बता देता हूँ। रिश्वत ली थी? किधर गया रे? ली थी? अरे ली थी। किधर गया? हवेली से क्या मिला? हाँ क्या मिला हवेली? जल्दी बता दो, जल्दी बता दो। ये माधो बारो माधो माधो